angel went up the hill to fetch a pail of water. Oh, God knows what they did over there. They came back with lot of water. Theo, क्या है डॉल? तुम्हें अखबार में लिखे राशि भविष्य आई मीन प्रेडिक्शंस में विश्वास है क्या? शादी से पहले था लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरे भविष्य में लिखा था कि मेरी शादी एक घरेलू कामकाज करने वाली औरत से होगी. फिर क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था, मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई. तुम्हें किसने कहा कि मुझे घर के काम में दिलचस्पी नहीं है? क्यों? अगर होती तो फिर ये रोज रोज का झाड़ू कूड़ा करकट खाना पकाना मुझे क्यों करना पड़ता? क्योंकि शादी से पहले मेरे भविष्य में लिखा था कि मुझे पति से सुख मिलेगा. लेकिन तुम्हें सुखी रखने के मेरे पास और भी तो कई तरीके हैं. क्या? प्रश्न नहीं करते तुम. अच्छा सुनो, तुम्हारा भविष्य आज का देखते हैं. देखो देखो, पुरानी चीजों से दूर रहो. यानी कि मैं तुमसे दूर रहूं? मैं पुरानी हूँ क्या? और नहीं तो क्या अपने आप को न्यू ब्रांड समझती हो? स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो? अरे मैं कहता हूँ ये भविष्य वगैरह छोड़ो और काम करो. काम, गीता में प्रभु ने कहा है कर्म कर बच्चे कर्म. ऐसा मत कहो दिल, ज्योतिषी विद्या तो बहुत बड़ी साइंस है. मेरे ग्रैंड अंकल थे ना, वो बहुत ही ग्रैंड ज्योतिषी थे. हाँ, उन्होंने किताब भी लिखी थी. उनका नाम था ज्योतिषी पंडित पंजा सिंह. टेढ़ी उंगली वाले. और किताब का नाम था आज का भविष्य. तुम्हें कैसे मालूम? देखो कहीं वो किताब यही तो नहीं है? अरे यही तो वो किताब है. तुम्हें कहाँ से मिली? ये कल मुझे मिली रद्दी में से. अच्छा देखो देखो, यहाँ लिखा है इस किताब में आप सिर्फ आज के दिन का भविष्य देख सकते हैं. जो व्यक्ति दूसरे दिन का भविष्य देखेगा उसकी जिंदगी में अंधकार छा जाएगा. बाप रे, पहली लाइन में कितनी डेंजर है. अच्छा सुनो, तुम्हारा आज का भविष्य देखते हैं. देखो देखो, तुम्हारा जन्मदिन क्या है? 6 जून 1966. वही चारों छक्के. अच्छा सुनो, यहाँ लिखा है तुम्हारा आज का भविष्य है भूरी आंखों वाली औरत से सावधान. भूरी आंखों वाली कौन हो सकती है? ये कोकिची. क्या हुआ तेरी पतंग को? मेरी पतंग दिलपुर अंकल के एंटीना में फंस गई. हाँ ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ, तू रोना बंद कर दे. चुप. हेलो कोकी जी, आप कम से कम 150 साल जिएंगी. अभी आप ही की बात कर रहे थे. दिलरुबा जी ये सब ठीक है लेकिन मेरा एक काम है, करेंगे क्या? अरे आप कहें तो मैं आपके लिए टेरेस से कूद जाऊं? नहीं नहीं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. देखिए मेरी चिंटू की पतंग आपके एंटेना में अटक गई है, उसे निकाल कर मुझे दीजिए प्लीज. अरे पतंग क्या निकाल दिए, मैं पूरा एंटेना ही उखाड़ के निकाल देता हूँ. बात पतंग तक ही ठीक है. जी ठीक है, मैं अभी आता हूँ. हाँ आइए, जल्दी आइए. एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो देव? नीचे गंगा मौसी बुला रही है. नहीं क्या है कि चिंटू का पतंग अटक गया हमारे एंटेने में, तो उसको निकालने जा रहा हूँ. उस बुरी आंखों वाले से कहो ना, अपने केको जी से कहे निकालने के लिए. पर उन्होंने मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट करके बोला है ना, इसलिए. एक्सक्यूज मी, दे मैं अपना भविष्य पढ़ूंगी. हाँ, आज तुम्हारी एक अप्रिय इंसान से मुलाकात होगी. अप्रिय इंसान? मैं? केकुजी, दरवाजा खोलो है, आप अंदर आ जाइए. अरे प्रेमा जी, आपको कैसे पता चला कि आपका प्रिय पड़ोसी आ रहा है? एनीवे, गुड मॉर्निंग प्रेमा जी. गुड मॉर्निंग. ये आप क्या पढ़ रही हैं प्रेमा जी? ये ज्योतिषी विद्या पर बहुत बड़ी किताब है. आप आइए ना बैठिए. थैंक यू. मेरे ग्रैंड अंकल ने लिखी है ये. इसमें आज का भविष्य मालूम होता है. अच्छा फिर बताइए ना, मेरा आज का भविष्य क्या है प्रेमा जी? आपका जन्मदिन कब होता है? मेरा जन्मदिन जरा याद करना पड़ेगा. सैटरडे, ट्यूजडे, थर्सडे, 5 दिसंबर. 5 दिसंबर? यस. 19? नहीं वो साल में आपके सामने नहीं बताऊंगा. ओके, 5 दिसंबर. यस. इसमें लिखा है कि आज तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. अच्छा. हाँ. ये क्या हुआ? लगता है दिल टेरेस से गिर गया. अरे वाह,
इतनी जल्दी खुशखबरी मिल गई। ये बुक तो बहुत अच्छी है, जरा दीजिए ना। मेरे कोकी जी की पतंग के लिए अपना एंटीना उखाड़ दिया है। केशव जी काय रे, मेरा भी भविष्य देखी ना। असं काय, तुला पण भविष्य बघायचं आहे? पैसे दे मला अगोदर, पैसे दे। ये क्या, 20 रुपये? 20 रुपये में आधा भविष्य देखूंगा, बाद में देता हूँ। बोल, तेरी बर्थडे कौन सी है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल क्या बर्थडे है, जिंदगी भर लोग तुझे फुल बनाते रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1 अप्रैल मर गया रे बॉम्बे वाला, तू मर गया। अभी इसी वक्त तुझ पर एक बहुत ही बड़ी विपत्ति आने वाली है। देखा, मैंने कहा था ना विपत्ति आएगी। आगे बताइए ना, आगे बताइए। क्यों भाई, क्या हो रहा है? यो गोखले, देखो कुलकर्णी जी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भविष्य देख रहे हैं। भविष्य? आज मैं मेरा भी भविष्य देखा था। तुम्हें क्या बताया? बताया मेरे मम्मी डैडी बहुत खुश होंगे। तो तभी फोन आया कि लड़के वालों ने मुझे पसंद किया है। मम्मी डैडी तो खुश हो गए, लेकिन लड़का बेचारा जिंदगी भर के लिए दुखी हो गया। कमाल की बुक है, एकदम एक्यूरेट भविष्य बताती है केशव जी। अच्छा, तुम्हें क्या बताया? मुझे बताया आज खाना ही नहीं मिलेगा। तो खाना मिला? जब मैं लंच ब्रेक पे गई, डब्बा खोल के देखती हूँ तो उसमें कुछ लंच ही नहीं है, किसी ने खा लिया। आगे देखिए ना। अरे क्या आगे देखिए, तेरे 20 रुपए खत्म हो गए, चल निकल। केशव, ये क्या कर रहे हो यार, लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ये गोखले, में लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, बेवकूफ लोगों को मैं भविष्य बताता हूँ। प्रेमा जी के ग्रैंड अंकल ने ज्योतिष विद्या पर किताब लिखी थी, उस किताब की ये जेरोक्स कॉपी है, समझा? अरे ये किताब सही भविष्य बताती है। अरे ये ज्योतिष वोतिष सब बंडल है। ये बात है, कल तेरी बर्थडे बता। 1 जनवरी। 1 जनवरी। गोखले, आज का तेरा भविष्य बताता है कि तू किसी से उधार पैसे लेगा। हाँ, तेरा ये भविष्य मैं सच करके बताता हूँ। वाकई आज मुझे पैसों की जरूरत है, 100-200 रुपए होंगे तो देना। गोखले, आगे तेरा भविष्य बताता है कि जिस आदमी के पास तू उधार पैसे मांगेगा, उस आदमी के पास भी पैसे नहीं होंगे। क्यों बेवकूफ बना रहा है, सुबह से शर्मा साहब नहीं मिले क्या? देख मंगो, क्या कर रहा है तुम लोग? कुछ नहीं, ये मेरा भविष्य देख रहा है। भविष्य बेटे, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम दोनों का भविष्य मेरे हाथ में है। गोखले, शर्मा साहब का भविष्य भी मिल गया। तुम्हें शर्मा साहब की बर्थडे मालूम है? मालूम है ना, इनका बीमा मैंने ही उतारा था ना, तभी से मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। सर, आपका भविष्य बता रहा है कि आज आपकी बीवी के हाथों आपकी पिटाई होगी। पिटाई तो तेरी होगी बेटे, क्योंकि मेरी बीबी तो 2 महीने के लिए मैके गई हुई है। गोखले, मुझसे कोई मिलने तो नहीं आया? अरे हाँ सर, आपके केबिन में कोमल नाम की कोई लड़की बैठी है। कोमल? थैंक यू कोमल। की आज जरूर पिटाई होगी। अबे चुप। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। हाय बबलू। हाय कम्मू। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कम्मू। अच्छा, तुमने मुझे फोन करके क्यों बुलाया? वो क्या है डार्लिंग, मेरी बीबी मैके गई हुई ना, मैंने सोचा कम्मू को बुला के थोड़ी गपशप हो जाए। ये अच्छी बात नहीं है, तुम अपनी बीबी से इतना डरते क्यों हो? मैं अपनी बीबी से कहाँ डरता हूँ कम्मू, बल्कि वो मेरे सामने थर थर कांपती है। बबलू, तुम बड़े वो हो। लेकिन डार्लिंग, तो बहुत जल्दी आ गई, हमको तो शाम को मिलना था डिनर पर। हाँ डार्लिंग, लेकिन मार खाने का प्रोग्राम तो अभी का है ना। क्या कहा तुमने? मैंने नहीं कहा। कौन है? कौन है? कौन है? राजू, अपने का डंडा लेकर तुम कहाँ चली? तुम्हें पीटने आ रही थी बबलू। तुम तो मैके गई हुई थी ना। मैं मैके नहीं गई थी, और बबलू ये कोमल मेरी फ्रेंड है, समझे? तुम्हारी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें बात सुन रहे हैं ना? और क्या? मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा है कि भविष्य देखने की भी ऐसी कोई किताब होती है। अब तो यकीन हो गया ना आपको? बिल्कुल। लेकिन इसमें से भविष्य कैसे देखते हैं? किसका देखना है आपको? चिंटू का। तो उसका बर्थडे निकालिए ना। अच्छा अच्छा, बर्थडे 8 नवंबर। 8 नवंबर। 8 नवंबर। मिल गया। अभी उसकी जन्म की तारीख निकालिए। नहीं, वो तो सेम है, मतलब इसको पढ़िए, इसके अंडर क्या लिखा है। ये बालक आज सीजन का पहला आम खाएगा। अरे वाह, लकी लकी। आगे आगे।
लेकिन आज उसे मार भी खानी पड़ेगी। मैं तो नहीं मारने वाली। मम्मी, मम्मी, तू क्या खा रहा है? आम। देखा आपने? देखा, सही निकला भविष्य। मैम साहब, ये लड़का आपका है? हाँ तो? अरे हम बीड़ी लाने गए थे तो ये ससुरा हमारी टोकरी से आम उठा के भागा। चोरी, देखा आपने? दूसरा भविष्य भी सही निकला। तो साहब लाओ 15 रुपए लाओ एक आम के। एक आम के 15 रुपए? भैया आम बेच रहे हो कि सोना बेच रहे हो? क्या साहब, आप ये तो लड़का है, तो 15 रुपए क्या भारी भरते? लड़का तो हमारा ही है। हाँ? अपने घर का बच्चा को कीजिए, कम ऑन। ये लो भैया, ये लो 20 रुपए रखो। हाँ? मेरा बेबी चिंटू, अंदर अंदर, पैसे मिल गए ना, आउट आउट। देखा आपने कितनी एक्यूरेट किताब है ये। सही में, सही में। कोकी, गंगा मौसी। हाँ? गंगा मौसी, तुम्हारी जन्म तारीख क्या है? याद नहीं कुछ, 31 जनवरी या 31 फरवरी। हाँ, फरवरी? ये क्या कैलेंडर तेरे बाप ने बनाया था क्या? 31 फरवरी तो जनवरी होगी। हाँ, वही देख रही हूँ मैं। मिल गई। आज इस महिला को अस्पताल जाना पड़ेगा। अरे हाँ, हमारे उनका बीपी बढ़ गया है तो मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। चलो मैं चलती हूँ। चलती हूँ। कोकी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? अगर ये डॉक्टर के पास जा रही थी तो इसको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? अरे हाँ, गई गई गंगावासी, खुद अस्पताल गई। चलिए दिलरुबा जी, अब आपका भविष्य देखते हैं। देखिए देखिए, क्या बर्थ डेट है आपकी? 6666। क्या रुक चुके हैं? इस बालक को आज पत्नी की डांट खानी पड़ेगी। मैं और डांट हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। देखते हैं देखते हैं। एक्सक्यूज मी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डांट और मैं? नो, नो वे। हेलो हेलो कोकी जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ प्रेमा जी। प्रेमा जी, आपके ग्रैंड अंकल क्या कमाल के ज्योतिषी थे, तकरीबन उनकी हर बात सच निकल रही है। तो केकु जी ने आपको किताब के बारे में सब कुछ बता दिया? केशु ने? वो सुबेरे उस किताब की जेरॉक्स कॉपी ले गए थे ना। अच्छा, नहीं नहीं, मुझे तो दिलरुबा जी ने बताया। पिछले 2 घंटे से यही तो है, वो हम दोनों मिलकर भविष्य देख रहे हैं। कहीं वो वहाँ बैठकर मेरा भविष्य तो खराब नहीं कर रहा कोकी जी? अरे नहीं नहीं प्रेमा जी, आखिर मुझे भी तो अपने भविष्य की चिंता है। लीजिए आपकी डार्लिंग डॉल। हाँ तो मैं कुछ डरता थोड़ी हूँ। हेलो डॉल। डॉल के बच्चे, इडियट, मुझे कहकर गए थे मैं शॉपिंग सेंटर तुम्हारे मेकअप का सामान लेने जा रहा हूँ डॉल, और 2 घंटे से वहाँ कोकी जी के साथ बैठे हो तुम। तुम्हारी वजह से मुझे शूटिंग के लिए देर हो गई है। नो, डॉल में आ रहा हूँ, डॉल में आ रहा हूँ, डॉल में आ रहा हूँ। फोन रखिए। हाँ, उसमें भी रखिए। क्यों दिलरुबा जी, भविष्य सच निकल रहा है ना? पता नहीं मेरे बारे में तो क्यों, वैसे ही हर बुरी बात सच निकलती है। अब तो मैं मेरा भविष्य देखती हूँ। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अच्छा देखिए, बर्थ डेट क्या है आपकी? 21 जून। 21 जून, और ईयर कौन सा है? आप मेरी उम्र जानना चाहते हैं या भविष्य जानना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैंने अंदाजा तो लगा ही लिया था, मैंने कहा अगर आप बता देंगी तो मैं टैली कर लूंगा ना। टैली कर रहे हैं जी। देखिए 21 जून, ये 21 जून, आज ये महिला शॉपिंग करने जाएगी और दुकानदार इससे एक पैसा भी नहीं लेगा। अरे वाह प्रेमा जी, प्रेमा जी, आपके ग्रैंड अंकल तो वाकई ग्रैंड निकले। अरे उनके सारे प्रेडिक्शन सच निकले। आफ्टर ऑल ग्रैंड अंकल किसके थे? बस उनका एक मेरे बारे में जो प्रेडिक्शन था वो सच नहीं निकला। कौन सा? आज मेरी लाडली पड़ोसन मुझे फोन करेगी। केकु जी, मैंने अभी तो आपके घर पे फोन किया था। सच? मेरे लिए? नहीं, दिलरुबा के लिए। आपका बच्चा मेरे घर में क्या कर रहा है? कोकी जी का भविष्य बता रहा है। आज दिलरुबा के बच्चे के भविष्य में मेरे हाथों जरूर मरना लिखा होगा। केकु जी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मैंने कुछ नहीं किया। एक्सक्यूज मी मैडम,
आपने अभी भी किसी बदमाश को अंदर आते हुए देखा? You are under arrest. ए इंस्पेक्टर, हाथ छोड़, हाथ छोड़। अरे पीछा किसका कर रहे हो और गिरफ्तार किसे कर रहे हो? क्या मतलब? अरे पीछा करते हो आदमी का मॉडल, उसके कपड़े और उसकी स्टाइल को देखा करो। आप इस आदमी का पीछा कर रहे थे? अरे हाँ, यही तो था वो। Excuse me, आप इनका पीछा क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये मेरे आगे आगे भाग रहे थे। तो आगे आगे भागना जुर्म है क्या? कमाल, मैं जल्दी में था इसलिए आगे भाग रहा था, और मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा था। यही वजह है, यही वजह है कि आजकल शरीफ लोग अंदर और बदमाश लोग बाहर घूमते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब भी किसी आदमी के पीछे भागता हूँ वो शरीफ क्यों निकलता है? आपके साथ ये प्रॉब्लम है? तो फिर मैं आपका भविष्य देखती हूँ। जरूर आइडिया। आपका बर्थ डेट कब है? 29 फरवरी। बेचारे का जन्मदिन भी 4 साल में एक बार आता है। एक्सक्यूज मी, आपके भविष्य में ये लिखा है कि आपके आगे पीछे हजारों गाड़ियां घूमेंगी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सर सर सर, क्या है? आपका प्रमोशन हो गया। मुबारक हो, मुबारक हो। काला चौकी ट्रैफिक ब्रांच। देखा, मैंने कहा था ना आपके आगे पीछे हजारों गाड़ियां घूमेंगी। ट्रैफिक ब्रांच, आज तक आदमियों का पीछा करता था और आज के बाद अब गाड़ियों का पीछा करना पड़ेगा। लेकिन गाड़ियों का पीछा करते वक्त गाड़ी का मॉडल और उसकी नंबर प्लेट ठीक से देखा करना। मालूम पड़ा ट्रक वाले के चक्कर में गाड़ी वाला अंदर डाल दिया। चलो मेरा तो हो गया, अभी डॉल का देखूं। वाओ, डॉल देखो तुम्हारे आज के भविष्य में क्या लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है अगर आज तू प्रॉपर्टी या शेयर में पैसा लगाओगी तो बहुत माल कमाओगी। प्रॉपर्टी और शेयर में पैसा? हाँ। पैसा कहाँ है हमारे पास? क्यों तुम्हारे इतने गहने जो हैं? उसमें से आधे से ज्यादा तो नकली हैं। देव तो क्या, व्हाट अबाउट योर बैंक बैलेंस? मैं बैंक बैलेंस को बिल्कुल नहीं छूंगी। क्यों भाई? बैंक वाले कहेंगे ये लड़की तो कड़की है। डोंट वरी, मैं बात कर लूंगा बैंक मैनेजर से, उसको बोलूंगा कि हम लोग शेयर में पैसा डाल रहे हैं। लेकिन हम ये शेयर्स खरीदेंगे कहाँ से? मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा शेयर ब्रोकर है, हसमत रहता। हसमत रहता? हाँ। ये हसमत रहता रहता कहाँ है? फिलहाल तो जेल में रहता है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, बड़े बड़े लोग उसको कंसल्ट करने आजकल वहीं जाते हैं। ओके देन, लेकिन हम करोड़पति बनेंगे ना देव? भाई तुम्हारा अंकल तो यही कहता है। पंडित पंजा अंकल जिंदाबाद। केशु आया, आया, आया। ये क्या कोकी, इतनी शॉपिंग? आज दिवाली है, मेरा दिवाला निकालने का इरादा है। केशु, प्रेमा जी के ग्रैंड अंकल की बुक में मेरे लिए क्या भविष्य था? क्या आज मैं चाहे जितनी शॉपिंग करूं कोई भी दुकानदार मुझसे पैसा नहीं लेगा? अच्छा, और वाकई नहीं लिया। क्या बात कर रही है? ये देखो देखो, आज मैंने पूरे 25,000 की शॉपिंग की है। वेरी गुड कोकी, वेरी गुड। और साथ में ये 500 रुपए की लॉटरी की टिकटे जिसका रिजल्ट आज शाम को निकलने वाला है। और मजे की बात मालूम है केशु? क्या? उस दुकानदार ने मुझे कोल्ड ड्रिंक और चिंटू को ढेर सारी चॉकलेट्स दिए। अगर ऐसा ही था कोकी तो पूरी दुकान खरीद लेती। वही करने वाली थी लेकिन उनके पास होम डिलीवरी के लिए कोई आदमी नहीं था। एनीवे कोकी, मेरे लिए क्या लाई तुम? टाई। हाँ? 25,000 की शॉपिंग में मेरे लिए सिर्फ एक टाई? क्या करती, दुकान बंद होने का समय हो गया था ना? केशु, वैसे ये टाई भी कॉम्प्लीमेंट्री में मिली है। एक्सक्यूज मी, आप ही का नाम कोकिला कुलकर्णी है? जी, आप कौन? जी मैं जन्नत शॉपिंग सेंटर का मैनेजर हूँ, आपका बिल आया। ये? जी हाँ, सिर्फ 25,000 रुपए का और होम डिलीवरी के 100 रुपए अलग से। लेकिन आपने वहाँ तो मुझसे पैसे लेने के लिए इनकार किया था। उस वक्त दुकान शुरू की थी ना, हम दुकान बंद करने के बाद ही वसूली के लिए निकलते हैं। अब क्या करें? एक्सक्यूज मी मैनेजर साहब, ये बिल देने से अगर हम इनकार कर दे तो? जी मैं साथ में 6 गुंडे भी लेके आया। केशु अब क्या करें? एक काम करो, इस टाई से मेरा गला घोट दो। प्रेमा जी, दिल रुको, बाहर आइए, क्या हुआ केकड़े, क्यों चिल्ला रहा है बेकार में? कुछ क्या हुआ? प्रेमा जी, हाँ। ये ज्योतिष वाली किताब आप ही रखिए। क्यों? अरे ये दिलरुबा के बच्चे ने मेरी कोकी को भविष्य बताया। हाँ। कि वो शॉपिंग करने जाएगी तो दुकानदार उसे पैसे नहीं लेगा। तो इसमें यही लिखा है ना? हाँ सही है, लिखा है दुकानदार ने कोकी से पैसे नहीं लिए लेकिन बिल मुझे भेज दिया 25,000 का। ये देखिए, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? शट अप, देखो कितना लंबा बिल। लेकिन केकू जी,
इस किताब से हम दोनों को तो बहुत फायदा हुआ है, लाखों करोड़ों का फायदा। लेकिन इनकी शक्ल देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। अभी माल हाथ में नहीं आया ना, ये देखो कितने सारे शेयर खरीदे हमने। अच्छा, और ये हमने एक फ्लैट भी ले लिया है जुहू में, 5-bedroom हॉल विद टेरेस। एक्सक्यूज मी, 5,000 स्क्वायर फुट का है। पता है आपको, कल शाम को मैं जाकर गर्म पानी से नहा भी आया हूँ। अच्छा, कितने दिन के बाद नहाए? शराब। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ बोल रही हूँ प्रेमा, स्टॉक मार्केट से, ऑफ कोर्स। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया? क्या? दिल, स्टॉक मार्केट में क्रैश हो गया है, हमारे शेयर्स अब रद्दी के भाव में नहीं बिकेंगे। डोंट वरी डॉल, डोंट वरी, हमारे पास ये फ्लैट तो अभी बाकी है ना। ये है, हेलो, कौन बोल रहा है? एस्टेट एजेंट। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया? क्या, हमारे फ्लैट में आग लग गई? और बाजू वाले सभी फ्लैटों में आग लग गई? सब नुकसान हम ही को भरना पड़ेगा। दिल, आग कैसे लगी फ्लैट में? डॉल, कल मैं गर्म पानी से नहाने गया था ना, तो गीजर खुला ही छोड़ आया था। तुम उठाओ। हेलो, क्या? कोकी ने लॉटरी की 500 टिकटें खरीदी थी। तुम में से एक भी नहीं लगी? नहीं, एक निकली। कितने की? 5 रुपए की? नहीं, 5 लाख की।